सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर फ्रेश मोटर ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत दिन हो गया मोटर ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं किया, बाइक भी नहीं निकाला, बीच में एक सीन हो गया था तो उस चक्कर में माइंड भी थोड़ा क्या बोलूँ थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मौका मिला है तो ब्लॉग बना लेते हैं, और मे भी मेरा इस नियोनी के साथ ये मेरा लास्ट और आखिरी ब्लॉग हो सकता है। अभी देखते हैं, अभी आसनसोल से तो मतलब एक लड़का आ रहा है बाइक को देखने के लिए, जैसे मैंने बोला था बाइक को मैं सेल आउट कर रहा हूँ, तो देखने आ रहा है, अगर उसका पसंद आए और मेरा भी प्राइस में हो जाए, मेरा मतलब जो रेट मैंने रखा है उसमें हो जाए तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा। बाकी आज देखते हैं क्या सीन होता है, अगर पसंद आए उन लोगों को तो ले जाएगा आज ही, अगर प्राइस में भी हो जाए तो फिर से, नहीं तो इसके साथ ही मैं घर आऊँगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है, वो फॉर द बेस्ट। मुझे मतलब इसको देने का तो मन ऐसा कुछ है नहीं, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ सीन है मेरे साथ भी। अगर मान लो कि मैं दो बाइक तो रख नहीं सकता, तो मैं स्विच करना चाहता हूँ मैं ज़्यादा मतलब हाई सीसी में, तो देखते हैं हाई सीसी में क्या लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ मैं क्या बाइक लेने वाला हूँ, इसका बाद नेक्स्ट बाइक क्या आने वाला है और कितना सीसी का आने वाला है, वो भी कमेंट करके बताओ। तो जिसको जिसको थोड़ा बहुत हिंट है वो तो गेस कर ही लेगा कि कौन सा बाइक आने वाला है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा बाइक इसके बाद आएगा। बाकी आज देखते हैं ये क्या होता है, नियोनी मेरे साथ रहता है या आज ही चला जाएगा। बाकी क्या ही बोले, 4 साल इसके साथ बहुत ही टाइम, बहुत ही अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड मैंने किया है। लास्ट टाइम मैंने इसके साथ स्पीति भी किया है, लेकिन स्पीति इनकम्प्लीट रहा है इसके साथ, तो सोचा था कि इसके साथ ही मैं पूरा करूँगा, लेकिन आप क्या ही बोल सकते हैं, सिचुएशन और हालात ऐसा कुछ है कि मुझे चेंज करना ही होगा। तो अभी नया जो बाइक आएगा उसके साथ ही होगा, लेकिन मेरा जो ड्रीम है वो तो मैं कंप्लीट करूँगा ही, कोशिश तो बहुत है, मतलब पूरा है कोशिश, और कोशिश करना भी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। तो बाकी अब ऊपर वाला के ऊपर भी कुछ कुछ है चीज़ें, तो देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल इधर का सीन देख सकते हो, उधर से रेल का पटरी जा रहा है, वो लोकल ट्रेन है तो, और इधर में जो है वो पूरा खेती बाड़ी हुआ है, ये पैडी फील्ड है पूरा, पूरे के पूरा इधर का जो सीन है वो पूरा पेडी फील्ड ही है। उधर तो पूरा पहाड़ पहाड़, लेकिन इधर पूरा ज़मीन ही है, मतलब ऐसा ही सीन है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई देगा। और ये हम आ गए अमारून, मैं अभी जा रहा हूँ वर्धमान, तो मेरा घर से वर्धमान करीब करीब 30 किलोमीटर ही मान लो है, तो ये मैं आधा रास्ता तो आ चुका हूँ, अभी आधा रास्ता और जाना है। कार्ब कितना अच्छा है, लेकिन इधर अगर कॉर्नरिंग करने जाओगे तो देखो बीच में ये सब पैच देखो कितना ख़राब है, और सामने से देखो कितना मतलब बहुत ही खतरनाक ओवरटेक करते हुए आ रहे हैं। कॉर्नरिंग करने जाओगे तो घुस जाओगे एकदम, बाइक या कार जो भी आएगा उधर से एकदम सीधा उसके अंदर ही घुस जाओगे, तो इधर उतना कुछ नहीं देखता है भाई, कौन सा क्या लेन है क्या नहीं है वो सब नहीं देखेगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ वर्धमान फ्लाईओवर और स्टेशन के सामने, देख सकते हो ये है कालना कोलकाता दुर्गापुर, जो हाईवे मतलब मेन हाईवे जो है NH पकड़ता है, तो इसलिए जो फ्लाईओवर है बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, तो बहुत ही मस्त और बहुत ही बड़ा फ्लाईओवर है। और इधर से देखते हैं, अभी कॉल कर लेते हैं उन लोग को कि वो लोग आए हैं कि नहीं, बाकी एक बार मैं उधर ही चला जाता हूँ तो उन लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए। और ये सबसे बड़ा मतलब वेस्ट बंगाल का छोड़ो शायद इंडिया का सबसे बड़ा होगा ये फ्लाईओवर, तो वो भी भाई रेलवे फ्लाईओवर, वाह बेटे वाह, स्टाइल देख लो स्टाइल, चूल जानो ना खराब भाई, भाई हेलमेट किंतु पड़ो ना, अभी हेलमेट पहन ले चूल खराब हो गए, सावास सावास, इधिक उधिक देखो सामने देखो, वाह स्टाइल स्टाइल बोलते रजनीकांत, ओह स्माइल देखो मिरर पे भाई सा खतरनाक, सबका अलग अलग ही दुनिया है भाई,
कोई बाइक चलाते चलाते स्माइल कर रहा है तो कोई इधर उधर देख रहा है, गजब। मुझे लग रहा है एक फनी वीडियो बनाना ही होगा मुझे ये सब रिएक्शन को लेके। 2000 years later. तो गाइस फाइनली मेरा नियोनी मेरे साथ छोड़ के जा रहे हैं, अभी सब कुछ डील फाइनल हो गया है और अभी नियोनी को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। तो बहुत ही बुरा और बहुत ही मतलब इमोशनल मतलब एक सिचुएशन हो चुका है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अभी तो फिलहाल क्या ही कर सकते, इसको बाय बाय करते हैं। सो गाइस नियोनी चला गया, भाई साहब एक दिन ये भी आएगा सोचा नहीं था। पहले तो लग रहा था कि चलो दे ही देते लेकिन अभी बहुत बुरा लग रहा है। तो चलो गाइस अब तो मुझे पैदल ही जाना होगा, क्या करें। चलो तो गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मुझे देखना है कैसे मैं घर जाऊं, घर जाने में मेरा हालत ख़राब हो जाएगा अब। ऑलराइट गाइस सपोर्ट करते रहो, अब बहुत कुछ नया आने वाला है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राइडर डैड सेफ, दिस इज़ रॉको राइडर साइनिंग ऑफ।